हाय ऑल दिस इज एंजली एंड वेलकम टू माय चैनल सो आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड रॉक पेपर सीजर जरूर खेली होगी आपने कभी स्कूल लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ सो रॉक पेपर सिजर हम अभी भी खेलते हैं कभी कभी जैसे कि हमें कुछ काम करना होता है जैसे वी हैव टू चूज कि लेट्स की आज मिल्क शेक कौन बनाएगा आपके सिबलिंग्स के बीच में है ना तो हम कहते हैं कि चल रॉक पेपर सिजर के तीन मैच करते हैं जो ज्यादा बार जीतेगा जो हारेगा वो बनाएगा है ना या फिर अगर कोई और काम करना है तो उसको वो हम काम दे सकते हैं कि भाई तुम हार गए अब ये तुम्हें करना पड़ेगा सो so ये एक पुगाटा या एक ऐसी गेम की तरह भी यूज़ होता है जो कि आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि अगला काम किसको करना पड़ेगा मतलब पनिशमेंट किसको मिलेगी सो so किसी भी वजह से आपने रॉक पेपर सेज खेला हो बट येस इट इज़ अ वेरी कॉमन गेम जो कि हम लोग खेलते आए हैं और अब हम ये देखेंगे कि हम हाँ इसको कंप्यूटर के साथ कैसे खेलें सो so, हम कोड करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक पाइथन में जिसमें एक प्लेयर हो गया आप और एक प्लेयर होगा कंप्यूटर आपको फाइव चांसेस दिए जाएंगे एंड देखते हैं कि उसमें से कौन जीतता है इसका एक सैम्पल एग्जीक्यूशन पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिर कोड दिखाऊंगी देन यूल अंडरस्टैंड कि इसको कैसे किया है जैसे मैंने अभी पहले ट्राई किया था बिफोर शूटिंग द वीडियो उसमें मैंने इसको रन किया तो उसने मुझसे पाँच चांसेस बोले और मैंने ये ये इनपुट किया तो आप देख सकते हो कि मेरी चॉइस क्या थी और कंप्यूटर की चॉइस क्या थी और मैं जीत गई वैसे मैं आपके सामने भी रन कर सकती थी पर ज़रूरी थोड़ी है कि मैं हर बार जीत जाऊँगी तो मैंने सोचा जीता हुआ दिखा देती हूँ पहले है ना और उसके बाद दोबारा से रन करके देखते हैं कि अगली बार जीतते हैं या नहीं सो so चलिए आपके सामने अब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं सो so ये कोड है ये कोड मैं आपको समझाती हूँ बट उससे पहले लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड सो मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया उसने पूछा अपना नाम बताओ मेरा नाम है अंजली राइट एंड इट विल

अब ये जो कोड है ये बहुत ही ईजी है कोई बहुत बड़ा बहुत लेंथी कोड नहीं है ये इतना सा कोड है आप देख रहे हो ठीक है दिस मच कोड इन पाइथन हेल्प्स यू मेक दिस गेम इसको हम ग्राफिकल भी बना सकते हैं हम यहाँ रॉक पेपर सिजर की इमेज भी ले सकते हैं तो वो भी हम करेंगे जब हम इमेज के साथ कोडिंग करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी हम पहले कुछ बेसिक गेम्स बनाएंगे उसके बाद वी विल बी डूइंग जहाँ पर हम इमेजेस यूज़ करेंगे तो हम इसको इमेजेस के साथ फिर कभी दोबारा करेंगे बट अभी ये बिल्कुल बेसिक है सो इसमें मेजरली जो चीज़ यूज़ हुई है वो है आपकी रैंडम लाइब्रेरी सो हम यहाँ पर यूज़र से उसका इनपुट ले रहे हैं जैसे कि मैं इनपुट करी थी कि मुझे क्या चाहिए अब कंप्यूटर क्या लेगा वो सिर्फ तीन में से एक ऑप्शन हमने रैंडमली सेलेक्ट करनी है ठीक है तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट रैंडम करेंगे सो so, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने डेकोरेशन के लिए स्टार वाली लाइन प्रिंट कर दी उसके बाद ये सब तो नॉर्मल मैसेजेस हैं जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो लोडिंग के आगे जो डॉट्स आ रही थी दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ टाइम सो इम्पोर्ट टाइम टाइम एक मॉड्यूल है जिसमें हम अपने आउटपुट uh, के बीच में पॉजेस दे सकते हैं जैसे टाइम डॉट स्लीप पॉइंट का मतलब है क्या के लिए आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाती है फिर ये लाइन प्रिंट होती है फिर एक सेकेंड के लिए रुक जाता है फिर ये लाइन प्रिंट होती है फिर एक सेकेंड के लिए रुक जाता है एंड सो ऑन अब मेन कोड जो इसके अंदर है वो है ये आप यहां पर देख रहे हो कि ये हमने एक लिस्ट ली है जिसके अंदर है रॉक पेपर सिजर हमने एक यूजर का स्कोर ले लिया एक कंप्यूटर का स्कोर ले लिया कितनी बार लूप चलेगा उसके लिए मैंने जीरो लिया है एक वेरिएबल ओ को ओ जब तक लेस देन फाइव है तब तक हम क्या कर रहे हैं यूजर से उसकी चॉइस पूछ लेते हैं यूजर बता देगा उसको क्या चाहिए रॉक पेपर या सिजर और कंप्यूटर की चॉइस हम जनरेट करा लेते हैं रैंडमली सो रैंडम डॉट रैंड इंट जीरो टू सो जीरो वन या टू में से कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जो कि सी ओ एम में आ जाएगा और सॉरी नंबर जनरेट होगा जिस पे से जेस में से हम वैल्यू उठाएंगे तो जेस में आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं वो वैल्यू सी ओ एम में आ जाएगी देन हम चेक कर लेंगे कि अगर तो जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो हमारे पास है ही नहीं ठीक है सो इफ यू डोंट हैव दैट वैल्यू सो प्लीज इनपुट करेक्ट थिंग ठीक है और ये टाइटल क्यों लगाया क्योंकि आप देख रहे हो कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है है बाकी का स्मॉल तो हम टाइटल कन्वर्ट करके ही मैच मैच कर रहे हैं कि भाई करता है तो ठीक है नहीं मैच करता तो एरर दे दो कि भाई आपने ऑप्शन ही सही नहीं एंटर करी बट अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे अगर तो सेम है तो क्या हो जाए ड्रॉ हो जाए ठीक है और अगर सेम नहीं है तो हमें देखना है कौन जीता तो अगर कंप्यूटर के पास रॉक है और यूजर के पास पेपर है तो यूजर जीत गया उसको प्लस वन कर देंगे ऐसे ही कंप्यूटर के पास पेपर है यूजर के पास रॉक है तो भी कंप्यूटर जीत गया सो so, जो भी आपके पास कंडीशंस uh, बनती हैं वो सारी कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी बिकॉज कंडीशंस तो लिखनी पड़ेंगे अदरवाइज तो कैसे पता चला कि कौन जीत रहा है सो so, ये जितनी भी कंडीशंस बनती हैं हमारी वो हमने एक एक करके चेक की एंड डिपेंडिंग ऑन दिस कि कौन जीत रहा है उसके स्कोर को प्लस वन कर दिया लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो वेरिएबल है ओ जो टर्न वाला वेरिएबल है ये हर बार इंक्रीज हो रहा है वन से सो so, जब हमारी टर्नस पूरी हो जाएंगी क्योंकि पाँच बार चलाना था हमने जब पाँच बार पूरा चल जाएगा तो वो उस लूप से बाहर आ जाएगा और फिर हम देख लेंगे कि अगर यूज़र का स्कोर कंप्यूटर के स्कोर से ज़्यादा है तो यूज़र जीत गया और अगर सेम है तो इट इज़ अ ड्रॉ और अगर कंप्यूटर का स्कोर ज़्यादा है तो कंप्यूटर जीत गया सो इट्स दैट सिंपल सो बेसिकली इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ रैंडम मॉड्यूल तो किस तरीके से हम रैंडम मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में उसका ये एक एग्जाम्पल है इस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा खुद से कोड करने की तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा बट रेफरेंस के लिए ये कोड आपके पास अवेलेबल रहेगा सो चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसी और गेम सीखनी है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और हैं बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज में सो गो अहेड सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना एंड ए एल कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लो वहाँ पे इससे भी इंटरेस्टिंग कोर्सेज मिलेंगे आपको सो so, आपकी अपनी ऐप है ए एल कोडर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन मेक श्योर यू डाउनलोड दैट आर आर सी यू इन द नेक्स्ट गेम दैट विल बी अपलोडेड ऑन नेक्स्ट सैटरडे सो हर सैटरडे आपको एक गेम मिलेगी ठीक है सो आई विल अपलोडिंग इट इन बिटवीन अगर कभी टाइम मिला तो उससे पहले भी मिल सकती है बट सैटरडे इसको आई विल ट्राई कि आपको एक वीक में एक गेम जरूर दी जाए सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो सी यू सून बाय फॉर नाउ बाय द दाव आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग